नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरपुर में रविवार को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अतिथियों और नगर के लोगों द्वारा हवन यज्ञ के साथ भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर ब्रह्म समागम गोष्ठी आयोजित की गई। यहां दूर दराज से पधारे विप्र बंधुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। खुर्जा जेवर रोड स्थित गोविंद गार्डन मैरिज होम जहांगीरपुर में दीपांशु भारद्वाज लेखपाल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीबार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन एडवोकेट शिव किशोर गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे ब्राह्मण समाज में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने समाज और अपने देश के उत्थान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आने वाली पीढ़ी के नौजवानों से कहूंगा कि अपने संस्कारों को ना भूलें, अपने समाज के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करते रहें और जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक संघर्ष करते रहें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ब्राह्मण समाज जहांगीरपुर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रुद्रदत्त शर्मा, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए अपने प्रयास से जहांगीरपुर नगर पंचायत में ब्राह्मण समाज का 2 प्रतिनिधित्व करवाया, उनको याद करते हुए कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। अन्य वक्ताओं पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा, राजीव शर्मा, केसी गौड़, बुद्ध शर्मा, पूर्व चेयरमैन मूलचंद शर्मा, सुशील शर्मा, एनके शर्मा, शरद वत्स, गौरव शर्मा इत्यादि ने अपने संबोधन में ब्राह्मण समाज में एकता बनाए रखने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में खेमचंद्र शर्मा, नरेंद्र वशिष्ठ, दिनेश चंद्र शर्मा, देविकानंद शर्मा, विकसान नेता संजय शर्मा, महेश प्रधान, त्रिलोक चंद्र शर्मा, बालेंद्र कौशिक, आशीष भारद्वाज, विशाल भारद्वाज इत्यादि सैकड़ों विप्र बंधु मौजूद रहे। प्रत्याशियों को जिताने का इतना प्रयास किया कि डोर टू डोर हर घर जाना है, चाहे कोई माने न माने। मैं कहता था तुम एक बार हर घर घूम जाए, बार बार कभी बार बार जा नहीं पड़ता है। और जब ऐसा काम हमने छोड़ दिया तो हमारी चीख चली गई। तो मेरा मतलब यह है कि एक हो जा तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां जरूर दे रहा हूं कि ये क्या करते थे कि काम करते बहुत ये बताते न थे, कि काम करते बहुत ये बताते न थे, करके एहसान भी ये जताते न थे। इनके अंदर रही सैकड़ों खूबियां, खूबियां अपने होठों पे लाते न थे, खूबियां अपने होठों पे ये असंभव को संभव बना देते थे, आग पानी में भी ये लगा देते थे। आप में मित्र थी सैकड़ों खूबियां, ये तुम्हें की पुतौना बना देते थे, कि हम मरुस्थल हैं और ये चमन दोस्तों, हम मरुस्थल हैं और ये चमन दोस्तों, हम धरा है मगर ये गगन दोस्तों। आप तो मित्र थे एक महात्मा, इसलिए इनको कर लो नमन दोस्तों, इसलिए इनको कर लो नमन दोस्तों। जय प्रसाद। 21 में 28 ब्राह्मण थे यूपी में, 22 में 18 ब्राह्मण रह गए और इस बार कुल 16 ब्राह्मण आए। कहां पहुंच रहे हैं आप? सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होगा, आप अपने शस्त्र और शास्त्र, पहले शास्त्र और फिर शस्त्र की पूजा कीजिए। अगर आपको अपने आप को बिठाना है, अपने भाई को उठाना है, अपनी बिरादरी को उठाना है, तो आपको विद्या, अपने छात्र अपने बच्चों की विद्या की ओर ध्यान दीजिए, उनको शास्त्र की तरफ ध्यान दीजिए, उनको संस्कारित कीजिए। कितने लोग हैं जो करने को आए हो तुम मित्र आज, अरे मंथन जो करने को, समुद्र मंथन होता है तो उसमें जहर भी निकलता है, उसमें अमृत भी निकल जाता है। तो मैंने चुन रखा है किसको हमें अमृत देना है, किसको हमें जहर देना है। पंक्तियों में उसमें बोलने जा रहा हूँ कि मंथन जो करने को आए हो तुम मित्र आज, दोनों ही पहलू को तुम तैयार हो जाइए, और जहर में ले तो तुम वैद्य जी को सौंप देना, अरे जहर में ले जो तो तुम वैद्य जी को सौंप देना, अमृत में ले तो तुम समाज को पिलाइए, और सोबे हुए जहर को, अरे सोबे हुए जहर को जो अमृत बना डालेगी, अरे सोबे हुए जहर को जो अमृत बना डालेगी, समाज को तो आज एक ए
ऐसे वैद्य चाहिए और शब्द रूपी अमृत, अरे शब्द रूपी अमृत तुम समाज को पिलाने को जी मंच पर हमको अब श्री गोपाल वैद्य चाहिए। एक जन्माष्ट पैदा हुआ है, एक जागृति हुई है। अक्षय तृतीया 10 मई की थी, उस दिन न जाने 15 जगह से मेरे पे इन्विटेशन था और गांव गांव में यज्ञ भी हुए, हवन हुए और भंडारे हुए और मीटिंगें भी हुई। पहली बार हमें लगा कि जागरूकता आई है, लेकिन अभी जागरूकता की और जरूरत है। हम लोगों को अभी एक होने की जरूरत है, हम लोग एक नहीं हो पाते। कई बार गड़बड़ होती है, गड़बड़ जहांगीरपुर में गड़बड़ हो गई, दो लड़के और दोनों हारी, क्या क्या हो गया। ये सारी चीजें समाज की है, समाज को बैठ के करना चाहिए। तो जल्द लाइन में इसीलिए कहूंगा कि जिससे हमारे नई पीढ़ी को एक संस्कार मिले, सीख मिले कि हमारे पूर्वजों ने जो किया, हम उन पूर्वजों के नाम पर बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। हमें भी उनके चरण कमलों पर चढ़ करके अपने आप को ऐसे ही स्थापित करना है, समाज के लिए, देश के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। नई पीढ़ी को बता रहा हूं, नरेंद्र जी आए सुन रहे हैं कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज कस्बा जहांगीरपुर में ब्रह्म समागम आयोजन चल रहा है, तो ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ आपको रूबरू कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है खुर्जादे पधारे नरेंद्र वशिष्ठी, तो इनसे जानना चाहेंगे ये आज कस्बा जहांगीरपुर में जो ये हुआ है कार्यक्रम हुआ, तो पहले अपना परिचय दें। तो ये जो आज कार्यक्रम हुआ है या ब्रह्म समागम, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ ब्राह्मण एकता देखकर और ये खुशी पूरा। और थोड़ा सा एक और बात है, कल अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस मनाया गया, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हमारे ब्रह्म समाज को कोई भी तो इनसे जानना चाहेंगे ये जो आज ब्रह्म समागम हुआ है और ये परशुराम जी की जयंती के अवसर पर हुआ है, तो ये कैसा आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये आज जो पहली बार जहांगीरपुर ने जो कदम उठाया है ब्राह्मण को एक करने के लिए, ये बड़ा सराहनीय कदम है और इससे ब्राह्मण समाज को एकता मिलेगी और हमारा ब्राह्मण समाज संगठित होगा। तो धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि ये आज ब्रह्म समागम का जो कार्यक्रम हुआ है कस्बा जहांगीरपुर में, तो यहाँ क्षेत्र से पधारे हैं, खुर्जा से, नोएडा से, वेवर से, बहुत क्षेत्र से काफी विप्र बंधु पधारे हैं, तो उनका कहना है कि ये ऐसे समागम होने से ब्राह्मण समाज में एकता का एक संदेश जाएगा और ब्राह्मण एक होगा, जिससे देश तरक्की करेगा, ब्राह्मण का समाज तरक्की करेगा। तो बने रहिए। मैं योगेश कुमार शर्मा, सीनियर भारत से, मेरे सहयोगी वसीम खान। हमारे साथ हैं आचार्य अतुल कृष्ण महाराज जी, तो इनसे जानना चाहेंगे ये आज कस्बा जहांगीरपुर में ब्राह्मण महासभा द्वारा जो ये ब्रह्म समागम का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? ये श्री भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में ये ब्रह्म समागम की ये गोष्ठी की थी हमने। अच्छा, विचार ये था कि गर्मी की अधिकता होने के कारण और खामई खां की बैंड बाजे धूं धां ये डीजे वीजे जय जयकार की वजह से कहीं जनता जनार्दन को डिस्टर्ब ना हो, युवाओं को समझाया एक जगह बैठा करके मैंने, भाई आपस में सभी आ जाएंगे, समझाते समय सभी को इकट्ठा करके सभी जितने भी ब्राह्मण वर्ग हैं सभी को बुलाया गया है और बड़ी शांति से सौहार्द के साथ में यहाँ गोष्ठी की गई है। ब्राह्मण का कर्तव्य समझा गया है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और ब्राह्मण कहाँ से आया है, कैसे है, ये सारी बातें यहाँ हुई हैं। प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण जागरूक हो जाए और हमारे क्षेत्र को, नगर को एक नई दिशा मिले। आज ये ब्रह्म समागम जो कार्यक्रम हुआ कस्बा जहांगीरपुर में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम तो बढ़िया हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के जो कर्म है, ब्राह्मण उससे भटक रहा है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करना, दान लेना और दान देना,
लेकिन इन कर्मों से ब्राह्मण भटक रहा है। इन कर्मों को जब तक ब्राह्मण नहीं करेगा तब तक उसमें ब्राह्मण की भावना नहीं आ सकती। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।